दोस्तों, अंस्थीप रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट आलू के चिप्स बनाने की विधि। आलू के चिप्स दो तरह से बनाए जाते हैं। एक तो आलू को उबाल के सुखा कर उन्हें बनाया जाता है, और जब जी चाहे उन्हें फ्राई करके खा लिया जाता है। आज मैं आपको जो बता रही हूँ वो इंस्टेंट चिप्स बनाने की विधि है। इसे ज़रूर बनाइए, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए इसकी विधि को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 3 बड़े आलू ले लिए हैं। इसे मैं अच्छे से धो लूँगी। इसके लिए हमें पतली स्किन वाला आलू लेना है। इसे अच्छे से धो लिया है मैंने। अब मैं इसे पोंछ लूँगी एक साफ़ कपड़े से। सारा पानी और मिट्टी वगैरह इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छे से पोंछ लीजिए इसे। पोंछने के बाद हम इसे पीलर की सहायता से इसका छिलका निकाल लेंगे, इसे छील लेंगे। अच्छे से इसका छिलका निकालने के बाद हम इसे फिर से एक बार धोएंगे और फिर से पोंछेंगे। तो इस तरह से मैंने आलू को अच्छे से छील लेंगे और फिर से एक बार इसे धो लीजिएगा। अच्छे से धोने के बाद हमें इसे एक बार और साफ कपड़े से अच्छे से सुखा लेना है। देखिए, इस तरह से इसे साफ कपड़े से अच्छे से सुखा लें ताकि इसमें पानी ना रहे। अब मैं इस आलू चिप्स बनाने वाली ये जो मशीन आती है उससे इसके चिप्स बनाएंगे। ये मशीन मैं जो यूज़ कर रही हूँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तेल को अच्छे से गर्म कर लें। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए और फिर सीधे इसी में आलू के चिप्स बना लेंगे। इस तरह से इसे बना लें। तेज आंच पे ही इसे हमें रखना है। आपके पास जो भी मशीन हो आप उससे चिप्स बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से इसे बना लेंगे। बहुत अच्छे, बहुत कुरकुरे चिप्स बनते हैं। मैं इसका आवाज़ आपको ज़रूर सुनाऊंगी। ये देखिए, हमारे चिप्स रेडी हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, सुनिए आवाज़ इसकी, है ना, एकदम क्रिस्पी कुरकुरे। तो इसे ज़रूर बनाइएगा। इंस्टेंट आलू के चिप्स सभी को बहुत पसंद आते हैं, आलू के चिप्स। और जब भी आप इसे मशीन से डालें तेल पे, तो बहुत केयरफुली डालें अपने हाथ को बचाकर। तो चलिए पहले वाले बैच में हम डाल देते हैं सेंधा नमक। इसे आप उपवास में भी खा सकते हैं। थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लीजिए। देखिए, आवाज़ सुनिए, बहुत कुरकुरे, बहुत अच्छे बनते हैं ये। ज़रूर बनाइएगा इसे आप। ये देखिए, तो चलिए देखते हैं हमारे दूसरे बैच के आलू के चिप्स तैयार हुए कि नहीं। ये भी हो रहे हैं अच्छे से। ये देखिए, ये हो चुके हैं। इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भी हमारे चिप्स रेडी हो चुके हैं। इसे भी हम निकाल लेते हैं। बहुत कुरकुरे चिप्स बनते हैं। पहले वाले बैच में मैंने सेंधा नमक डाला था, अब दूसरे वाले में मैं डालूंगी मसाले। तो आप दोनों ही तरीके से इसमें मसाले डालकर या फिर उपवास में सेंधा नमक डालकर खा सकते हैं। बहुत कुरकुरे, बहुत अच्छे चिप्स बनते हैं। तो दूसरे वाले बैच में हम डाल देते हैं चाट मसाला, लाल मिर्च का पाउडर और नमक। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। ये देखिए, सुनिए आवाज़, बहुत कुरकुरे, बहुत अच्छे चिप्स बनकर तैयार होते हैं। यदि घर पे मेहमान आ गए अचानक से, तो आप इसे तुरंत बनाकर सर्व कर सकते हैं। और उपवास में चटपटा खाने का मन करता है तो आप इन्हें बनाकर काली मिर्च और सेंधा नमक डालकर भी खा सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, रेडी है आलू के चिप्स। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।